तो सर स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर आपका। जो भी दर्शक आपको पहली बार देख रहे हैं, थोड़ा सा उनको अपने बारे में बताइए, अपनी फार्म की जगह के बारे में बताइए। हरीश जी नमस्कार, आपका और आपके सभी चैनल के दर्शकों का अपने फार्म पे स्वागत है। जी सर, कहाँ पर है अपना गांव, कौन सा है, और ये थोड़ा सा बताइए, अपने बारे में थोड़ा सा बताइए सर। हरीश जी मेरा नाम कुंदन सिंह है जी, वैसे बनाजी के नाम से जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अपना फार्म नागौर डिस्ट्रिक्ट के परबसर तहसील में मानपुरा गांव है, जो अजमेर से 40 किलोमीटर पड़ता है। बहुत अच्छा। और मैं बताना चाहूँगा हमारे दर्शकों के कि एज अ प्रोफेशन ये एक सोल्जर हैं, फौजी हैं, देश की सेवा करते हैं, और साथ में पशुपालन का भी इनको बहुत अच्छा शौक़ है। और आप बकरियां देखेंगे तो आप भी तारीफ़ करेंगे कि जिस तरीके से इनका कलेक्शन है और जिस तरीके से ये काम करते हैं, बिल्कुल काबिले तारीफ़ है। तो सर जैसे कोई आना चाहे तो कैसे आ सकता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हरीश जी आने के लिए जो बादशाह अजमेर पास में पड़ता है, अजमेर से 40 किलोमीटर है जी रेलवे स्टेशन, और बाकी ऐसे पुष्कर से 25 किलोमीटर है जी, और किशनगढ़ से 30 किलोमीटर बहुत अच्छा। तो सर शुरुआत करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं साहब। ये प्योर सिरोही ब्लड लाइन की बकरी है। बिल्कुल। और अब की बार तीसरी बार बच्चा देगी। ये 8-10 दिन में बच्चे देने वाली है ये। बहुत बेहतरीन। अब मैं जो चीज़ हमारे दर्शक देखना चाहते हैं वो चीज़ में मैं आपको दिखाऊंगा। अभी आप इसको सामने से देखिए, इसके जो फेस की क्वालिटी है वो आप देखें, कानों की लंबाई, गर्दन की लंबाई, और साथ में जो सामने का पोर्शन है सीना, ये भी देखें। अब मैं इसे पीछे साइड से कवर करूंगा, तब आपको अंदाज़ा लगे कि एक जो आइडियल बकरी होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए। ये देखें, ये निशानी है एक जो हम आदर्श बकरी मानते हैं कि यार बकरी ऐसी होनी चाहिए, ये सारे गुण हैं इसमें। तो सर इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए जी। ये सिरोही में यानी कि ओल्ड ब्लड लाइन की बकरी है की, और आप और हैवी वेट पे है। हैवी वेट पे है और तीसरी बार बच्चा देगी। लगभग 3 साल प्लस एज हो गई इसकी। एज हो गई। और मिल्किंग कैपेसिटी क्या है सर? मिल्किंग कैपेसिटी 1.5 लीटर है। 1.5 लीटर। अब की बार बढ़ने की संभावना है, देखो क्या होता है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, लाजवाब, जितनी तारीफ करें उतनी कम है, बेहतरीन। अब ये देखें, तो सर थोड़ा सा इसके बारे में मुझे बताइए। ये भी सिरोही ब्रीड की है और इसने 4 बार बच्चे दे चुकी है। अब की बार चौथी बार दिया, 3 बच्चे दिए इसने, 2 मेल 1 फीमेल। बहुत बढ़िया। और इसकी दूध कैपेसिटी 2 लीटर पर टाइम है। दो लीटर पर टाइम। और अडर साइज भी आप इसका देखिए। और कितने दिन हुए सर इसको बच्चा दिए? अभी 3-4 दिन हुए अभी तो इसको। 3-4 दिन ही हुए। बहुत बढ़िया। ये देखिए एक बैलेंस अडर जो होता है, मैं आपको आगे और पीछे दोनों तरफ से दिखाऊंगा, वो ये पूरे पैरामीटर्स को फॉलो करती है। ये देखें, शानदार, बहुत बढ़िया। और ये कब से सर अपने पास में? इसको 3.5 साल हो गए। 3.5 साल हो गए। 3.5 साल। और पुराने ब्लड लाइन की ये भी बकरी? पुराने ब्लड लाइन की है। आप इसका फ्लैंक साइज देख सकते हैं, बच्चे देने की जो क्षमता है, फेस क्वालिटी आप देखें, सींगों का पैटर्न देखें, बेहतरीन, बहुत शानदार, बहुत खूब। ये चीज़ देखें आप, ये बहुत ही खूब। और ये अभी कितने बच्चे लेकर आई थी सर? अब की बार 3 लेके आई थी वो। 3 लेके आई थी। बहुत बढ़िया। और ये कि ये देखिए नगीने हैं सर के पास, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं साहब। ये अपने सिरोही ब्रीड की है ये भी। और ये 2 बार बच्चे दे चुकी है, अब की बार तीसरी बार बच्चा देगी। बहुत बढ़िया। पूरा कलर आप देखिए, डार्क में लाइट पैचेस, शानदार। लमसम क्या, अगर मैं बॉडी वेट की अंदाजन बात करूं तो क्या होगा सर इसका? मुझे वैसे बॉडी वेट इसी का लगभग 60-65 केजी है अभी। 60-65 केजी, शानदार।
बहुत अच्छा, लाजवाब चीज़ है साहब। अब ये देखिए जो हम आपको बकरी दिखा रहे हैं, ये थोड़ा सा यूनिक है, अजमेरी में है। अब ये देखिए इसके बन्नक देखिए आप। थोड़ा सा मैं सर से जानना चाहूँगा, सर इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बताएं। ये भी अजमेरा में है और अब की बार इसने पांचवी बार बच्चे देगी है। पांचवी बार। लगभग कितना समय बाकी है सर इसके? 8-10 दिन में बच्चा दे देगी अभी। 8-10 दिन में? हाँ। और ये जो अडर की साइज हमें देखने मिल रही है, ये ऐसे ही है कि ये बाय डिफॉल्ट हुआ है सर? नहीं, ऐसे ही है। ऐसे ही है। दूध है, कोई इसका वो डिफेक्ट नहीं है। ऐसे अभी देख लो आप, क्योंकि कोई सूजन कुछ नहीं है। दूध है इसमें। बहुत बढ़िया। मतलब एक जो कहते हैं ना कि ऐसा थन जब हो जाता है जब थनैला रोग होता है। नहीं, वो तो थनैला नहीं है इसी में। थनैला नहीं है ना इसी के, यानी कि ब्लड लाइन में ऐसा ही है इसी के। ये ब्लड लाइन में ही है ऐसा ही। ऐसे थन वाली बकरियां है, यानी कि वो ब्रीडिंग से शुरू में किसी के पास में थी उसी से ऐसे ही है। बहुत अच्छा। अक्सर हमें ऐसे, मैं देखते रहता हूँ जैसे बकरियों के जो वीडियो, अक्सर बीटल में हमें ऐसे थन बीटल में देखने मिलते हैं। अडर साइज कम देखने मिलता है और निप्पल में ही सारा दूध जो है वो स्टोर रहता है। इसीलिए जंगल के लायक नहीं है, घर पे ही रखना पड़ता है इसी बकरियों को। अच्छा, ये घर पे ही रहती है? घर पे रहती है, क्योंकि जंगल में झाड़ी वाड़ी से फटने का डर रहता है थनों का। और कहीं भी चलने फिरने में मुश्किल होती है, गिर जाती है। और फिर अडर के हिसाब से सर अगर मैं मिल्क की बात करूँ तो कितना इसमें मिल्क होगा? पिछली बार 2 लीटर पर टाइम था इसका। दो लीटर बच्चा पिलाने के बाद, है ना? नहीं, बच्चा पिलाते थे। बच्चा पिलाने के बाद? बिल्कुल। शानदार, बहुत बढ़िया। ये देखिए अब इसकी बच्चियाँ अभी हैं अपने बाड़े पे सर? नहीं नहीं, मेल था, सेल कर दिया सर पिछले बार। मेल था, बहुत बढ़िया। ये देखें, और थोड़ा सा लाइट जो है वो आ रही है जा रही है, तो थोड़ा सा क्वालिटी में आपको 19। बच्ची है अब, ये रिजल्ट है इसका, आप ये देखें अपने राणा। दो साल से
बहुत शानदार। अब पिछली बार 3 लेके आई थी, अब की बार 1 लेके आई, क्योंकि साल में 2 बार बने से क्या बच्चे देने की कैपेसिटी डाउन हो जाती है। हाँ, कभी हमको डबल देखने मिलते हैं, कभी सिंगल। तो डबल में कम देती है, सिंगल में बच्चे साल में 2 से 3 दे देती है, सिंगल में लेते फिर एक एक बच्चे दो दो बच्चे देने स्टार्ट कर देती है। बिल्कुल, क्यों कमजोर हो जाती है। ले एक ये देखिए, ये भी जो एक राता कलर बोलते हैं सर इसे। हाँ जी, हमें राता कलर बोलते हैं। हाँ हाँ, ये भी अपने जिमेरा सिरोही में ओल्ड ब्लड लाइन में है ये। अब की बार दूसरी बार बच्चा देगी, ये 3 महीने की क्रॉस है। बहुत बढ़िया, 3 महीने की क्रॉस है बकरी, आप ये देखिए शानदार। क्या उम्र होगी सर इसकी अभी? इसकी 2 साल प्लस हो गई। 2 साल प्लस हो गई। हाँ बहुत बढ़िया, वही चीज इसकी लंबी गर्दन आप देखें। हाँ, लंबाई बहुत ज्यादा है। फ्रेम इसका आप देखें, आप हाथ फैलाएंगे तो पूरे हाथ में आएगी, ये देखें। और बकरी का स्वभाव आप देखें ना, कितना शांत है, पकड़ के रखा है सर ने, तो आप इसके चेहरे से अंदाजा लगा सकते हैं, ये मासूम चेहरा जो हम बात करते रहते हैं। कानों की लेंथ देखिए आप, सींग का पैटर्न देखें, और वही पंच फेस ना सर। हाँ, पंच फेस में, पंच फेस, एक डबल डांडी आप कह सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, और बिल्कुल बारीक रुए, चिकने वाले। राता में भी जो कलर आते हैं ना, उसमें भी ये सबसे अच्छा कलर अच्छा है, क्योंकि साइनिंग है, क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत अपने बालों की साइनिंग में फर्क आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कुछ खिलाने पिलाने से बाल बड़े हो जाते हैं। हाँ, प्लेन कलर में भी अलग 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 अलग, उसमें भी ये सबसे अच्छा कलर लग रहा है। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। और पहली बार में कितने बच्चे लेकर आए थे सर? 2 2 बच्चे लेकर आए थे। बिल्कुल, बहुत शानदार। एक ये छोटी सी बच्ची है, इसे आप देखें, ये कितने महीने की बच्ची है? 3.5-4 महीने की हो गई। अच्छा, ये उसी बच्चे के साथ में जो अपन ने इससे पहले देखी है ना? हाँ, देखिए उसी के साथ की है ये। अपने बगू की बच्ची है। वाह, इसकी माँ का नाम बगू है। और अपने राणा की बच्ची है, वो क्या 3 लेके आई थी। हाँ हाँ, तो ये एक ही रही अपने पास। बहुत शानदार। अब ये देखिए, ये बकरी जो है, ये अभी जो फीमेल सर ने पकड़ी हुई है, अब ये साल भर ऐसे ही रहेगी। अभी इसको, और इसी 15 महीने क्रॉस नहीं कराएंगे इसको, है ना? 15 महीने बाद क्रॉस कराएंगे, मतलब लगभग जब ये 18 महीने की हो जाएगी। 18 महीने की हो जाएगी। बहुत बढ़िया, शानदार। ले बुड्ढी क्वालिटी देखें आप। वाह, एक ये देखिए दूसरी बच्ची। वाह, और ये कितने महीने की सर? ये 8-9 महीने की हो गई। 8-9 महीने की, ये अपनी जो बूढ़ी बकरी है उसी की है ये। बिल्कुल, माँ जैसा ही फ्रेम है इसका, लंबा, बहुत बेहतरीन। तो किस तरीके से रखते हैं सर, थोड़ा सा अपन खान पीन के बारे में बात कर लेते हैं। अपने यहाँ पर किस तरीके से आप बकरियों को रखते हैं? जनरली बाहर चरने के लिए जाती हैं या घर पर ही रहकर खिलाते हैं? बाहर भी जाती है, बारिश के टाइम घर पे रखते हैं, जब बारिश ज़्यादा होती है तब। बाकी अपने खेत में जाती है। खेत में जाती हैं। हाँ। और पास में जंगल है, तो पास में जंगल में जाना पड़ जाता है। हाँ। और फिर बाकी के टाइम पर आप ये खिलाते हैं? घर पे जी जी, जो खेजड़ी के लूंग और जौ का दलिया खिलाते हैं हम। बिल्कुल, और ये दलिया आप देख सकते हैं, लगभग जितना पत्ती है उतना ही डलिया डला हुआ है नीचे, ये देखिए, आराम से बकरियां खाती हैं और जाती हैं। छोटा सा सवाल है सर मेरा, जैसे बाहर चरने के लिए जाती हैं, तो इन जैसे बाहर बकरियां हर रेवड़ की आती हैं एक ही जगह पर चरने के लिए, रोकथाम के लिए आप किस तरीके से तैयार रहते हैं, ये थोड़ा सा बताएं। गाँव में सभी के रेवड़ खुलते हैं एक साथ जी, तो हम क्या इसको दोपहर में 12-1 बजे के आसपास खोलते हैं, उनके जाने के बाद खोलते हैं। अच्छा, और जो शाम को टाइम वो आती है उनसे पहले हम ले आते हैं, 5 बजे हम ले आते हैं वापस शाम को। लगभग पर बकरी के हिसाब से एक अंदाजे में खर्चे की बात करूं तो क्या बैठता होगा खर्चा? तो ऐसी बात है कि अपने